और जिस तरह लोगों के उत्साह है जो साढ़े वर्कर बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल वर्कर जिन्ना उत्साह है जिन्ना जोश में है मैं समझा कि यह पृथक एक निशानी है कि इन्होंने अकाली दल बसपा गठजोड़ जाने का अपना मन बनाया और ये कोई एक दिन की गेम नहीं जिस दिन का मैं इतों उम्मीद लाने साढ़े वर्कर समर्थन जिन्हें भी है वो पबा भर रहे हो और हर एक बेनती करते हैं क्योंकि वोट करना सब तो औखा सुबह समझे जो तो वर्कर की भावना आ जाए कि असं हाथ जोड़ के असर प्यार और अपने कम दस के अपने किए हुए कम दस के जो वोट लेनी है वो कन्विंसिंग पावर जी साढ़े वर्कर का वही एक साढ़े चेता आधार रहे हैं और जो भी मैं किसी भी हल्के जाना कि नौ ही हल्के हर थान लोगों को रोटी टाइम से मिले ना मिले पर वो कंपेन से निकले है सारे जो वर्कर अपने खाण पीन का भी त्याग करे ना जो वर्कर को यह लगे कि रोटी मिले या ना मिले पानी मिले ना मिले मैं पार्टी का काम करना उस दुनिया सर इस टाइम तक तुम किन्ने हल्क घूम चुके हो देखो मैं नौ के नौ हल्क घूम चुका कि सहयोग मिले थानू उ दस ना जो वर्कर साडा रोटी की परवाह ना करे उन्होंने पानी की परवाह ना करे जो वो तुरैया हो ना क्योंकि सब कांशीराम के सिपाही खास तौर पर जिसे अकाली दल बहुत बबा भर हो सब कांशीराम के सिपाही जड़े आ जोड़े छोले खा के भी गुजारा कर लेंगे सब कांशीराम रोटी कई बार नहीं मिलती थी और अपनी जेब छोले सदे रखते थे कि वो डेप्टिक भी सी वो ताकि जो भी कुछ मिले उ वर्कर भावना मान अज वर्कर बेशक कारा लैके घूमता बेशक स्कूटर लैके घूमता कितना कि उन्होंने मन चाया कि असं सैकल लैके घूमिए क्योंकि सब कांशीराम की जी सवारी से सैकल की सवारी से तो वर्कर जो इधर की भावना में आ जाए अपने रब रब प्रति प्यार आ जाए जनता की समर्थन मिल रही है बिल्कुल बिल्कुल जी जी इस टाइम मौके पर मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी वो बारे तुम की कहना चाहते हो देखो मैं कि तुम अपने दिल से हथ रख दसो कि जो उन्होंने वादे किए थे पूरे किए जो तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो ला के शहीद सरदार भगत सिंह की फोटो ला के उन्होंने समाज चो एक भी एम पी ने बनाया पर पंजाब सत्ता चो चार एम पी राज्यसभा जो भेजे वो पंजाब तो बहरों भेजना और शहीद सरदार भगत सिंह जितने सौं तक आते हैं पगं बनते उदानियाँ पर उन्होंने परिवार चो किसी ने एम पी नहीं बनाया और सब तो वही गल जी एजुकेशन है ना कि लोगों को एजुकेशन कौन का काम करना है जितने कांग्रेस के बच्चे साधु सिंह धर्मसोल वर्गे थोड़ी प्रोड खा लिया और चंगी जगह अपने आप सवेर तो शाम तक कभी रिक्शा चला के दसदा लोग जवाब मिले ना मैं तो नहीं कहता चंगा मेरे तो पालन का चंगी गल हर हर सब्जी दिल्ली पैन बच्चे चौदह चौदह हज़ार रुपये में तो बनता पाना कितों है जिदा अगे पाता उदा लोन पा देंगे ये तो 2500 रुपया जरा कहते हैं बेरोजगारी पता देना देता ये जो पेंशन देनी सी शरण स्कीम का 55000 रुपया सिंगल एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं ना देने लगे कि असं आह 55000 रुपया ना शरण स्कीम दे दी सो ये बाद कि नौकरियां देवे सिंगल एक सिंगल मैं चैलेंज करता हूँ महात्मा जी कि उस सिंगल पोस्ट असं क्रिएट की है एक प्रोसैस वा टीचर रिटायरमेंट टीचर रखना तहसीलदार रिटायर हो तहसील तो जी खाली हो रही उत्थे नहीं भर्ती हो रही प्रॉपर क्रिएट तो क्रिएट की सारी बाहर दी दिल्ली वाले दी यूपी वाले दी वो भी इस करके दिते कि उन्होंने चेक रख सकें सीएम ऑफिस अब सेफ ने उन्होंने हर जी के सी होंगी इदा के लोगों का जॉब दे रहे हैं कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है से हजार हजार का वादा करके आप भी मेरी हो आपसे वादा किया गया था आपको मिल गया नहीं सर आपको नहीं मिला तो क्या सोचते हो आप डालोगे मैं पूछता हूँ मैं डर चुकी आपके सामने मैं आपसे कोई वादा करता हूँ अगर मैं पूरा ना करूँ तो आप मेरे खराब ही जाओगे तो ये बनता है ये नहीं कि भाई किसी को भाई कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि शायद लोग भूल जाते हैं पंजाबी इतनी जल्दी में नहीं भूलते तो मेरे को लगता है कि इसका सब महिलाएं भी बैठी हैं उनसे भी बात करेंगे क्या पता है इनको मिला होगा खुद बताएंगे कि मिला है कि नहीं मिला है वैसे बेटर तो यही है जो सफर है उसी से पूछना चाहिए आप उनसे पूछो लगता है कि मिला है तो फिर बोल उनको डालनी चाहिए ना घर वालों को डालनी चाहिए अगर नहीं मिला तो फिर तो मेरे को डालनी चाहिए सर अकाली दल की सीट निकलती है एम पी की तो जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए पूरे किए जाएंगे अपने वादे
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਫਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋੜਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ।